पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूवी किंगर। चलिए रुख करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में 3 मई तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई छूट 20 अप्रैल के बाद से नहीं दी जाएगी। वहीं आज से देहरादून में सचिवालय और विधानसभा ऑफिस खुलेंगे। विधानसभा और सचिवालय में लॉकडाउन की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए कामकाज शुरू किया जाएगा। वहीं आज से ही सभी मंत्री विधानसभा में बैठ सकेंगे। इस दौरान कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि कल राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में भारत सरकार की गाइडलाइंस को मानना बेहद जरूरी होगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अहम बैठक की, जिसमें 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में रियायत देने से इनकार किया। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जानकारी ये मिल रही है कि उत्तराखंड में अब सचिवालय खुलेंगे, विधानसभा खुलेगी, मंत्री बैठेंगे, क्या कुछ तैयारी होगी वहां पर, किस तरह से कामकाज होगा, और ये भी कि 20 अप्रैल के बाद कोई रियायत नहीं दी जाएगी, जबकि पहले इसकी चर्चा थी। बिल्कुल, देखिए भूवी, आज से प्रदेश में सचिवालय और विधानसभा खुलेंगे, और सबसे पहले सैनिटाइजेशन का काम होगा सारे डिपार्टमेंट्स में, जिनमें मंत्रियों को और अधिकारियों को बैठना है। हो सकता है कि आज मंत्री और बड़े अधिकारी नजर ना आए। शुरुआत में 30% स्टाफ को ही बुलाया जाएगा, और सैनिटाइजेशन का काम पूरा होने के बाद फिर अधिकारी मंत्री आना शुरू होंगे। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे, किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग टूटे ना, ये भी उसमें देखा जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में जिस तरीके से 20 अप्रैल के बाद ये लग रहा था कि जो पहाड़ी जिले हैं, 7 पहाड़ी जिले जिनमें एक भी मामला नहीं आया, और 2 ऐसे जिले जिनमें एक एक मामले आए थे, इन सभी जिलों में ये उम्मीद थी कि शायद सरकार कुछ रियायत देगी, लॉकडाउन में छूट देगी, लेकिन कल कैबिनेट की बैठक के बाद ये साफ हो चुका है कि किसी तरह की कोई छूट मिलने नहीं जा रही है। सरकार ने साफ मना कर दिया है, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाएगा। जो नियम अभी बने हुए हैं, जो छूट अभी तक सुबह 7 बजे से 1 बजे तक के लिए दी जा रही है, उसी छूट के तहत काम होगा, लेकिन अतिरिक्त किसी भी जिले को कोई अलग से छूट नहीं मिलेगी। और ये साफ हो चुका है कि प्रदेश में जो उद्योग हैं, उद्योग जिस जिले में है वहाँ के जिला अधिकारी से अगर परमिशन लेते हैं, सभी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, तो उनकी शुरुआत हो सकती है। लेकिन जो कर्मचारी हैं वो बाहर से नहीं आएंगे, जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं या कंपनी के जो कर्मचारी कंपनी के दिए हुए क्वार्टर्स में रह रहे हैं उन्हीं का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम राज्य सरकार के चल रहे हैं उनको भी शुरू किया जा सकता है। साथ ही केंद्र सरकार से गाइडलाइन और के बारे में बात की जा रही है कि जिनके लिए जो काम सरकार के चल रहे हैं उनमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात है उसके लिए सरकार आज या कल में तक गाइडलाइन देगी कि किस तरह से उसको पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा के लिए भी एक निर्णय लिया गया है कि चारधाम यात्रा में केवल जरूरी पक्ष, जो हक हकूकधारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, जो मंदिर समिति के लोग हैं, यही लोग मौजूद रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, किसी भी बाहरी व्यक्ति, किसी भी जनता, किसी को भी अनुमति नहीं होगी कपाट खुलने के वक्त मौजूद रहने की। जी सुरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं देहरादून में त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस पर चर्चा की गई। सरकार ने साफ कर दिया है कि 20 अप्रैल के बाद किसी भी पहाड़ी जनपद को कोई अतिरिक्त छूट मिलने वाली नहीं है। वहीं चारधाम कपाट खुलने पर केवल प्रशासन और अनिवार्य लोग ही मौजूद रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से फॉलो की जाएगी। वहीं सरकार ने यह भी तय किया है कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो पाएंगी, इसके लिए जिला अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और केंद्र की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। प्रदेश में जारी कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो सकता है, लेकिन उसमें मजदूर बाहर से नहीं आएंगे। साथ ही सरकार ने फिर से साफ कर दिया है कि जो भी जमातियों को शरण देगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में 5 लोगों की मौजूदगी में शादी को मंजूरी दी गई है। 15 तारीख को भारत सरकार की कुछ गाइडलाइन मिली है, उन गाइडलाइन में यह स्पष्ट निर्देश है कि राज्य को उनको फॉलोअप करना है, मानना है। जैसा पहले हमारे मन में था कि भारत सरकार से यदि राज्य को कुछ इस प्रकार का निर्देश होगा कि राज्य अपने स्तर पर कुछ कर सकते हैं,
और हमारे जैसे 9 जिले कोरोना पॉजिटिव नहीं है, कोई केस नहीं है, तो इस प्रकार की छूट उस गाइडलाइन में नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे हमारी जो आउटपुट है उसके अनुसार यदि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, अगर वो अभी भी नहीं करते तब जो उनको आश्रय देने वाले लोग हैं उन पर भी सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अभी भी कुछ ऐसे हमारी जो आउटपुट है उसके अनुसार यदि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, अगर वो अभी भी नहीं करते तब जो उनको आश्रय देने वाले लोग हैं उन पर भी सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। राज्य में हमने भी कुछ चीज़ें हैं जो सभी को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना होगा, कोई भी व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। जो शादी है, हमने अपने राज्य में शादी को अलाउ किया है, वो शादी अंतरजनपदीय हो सकती हैं, उनमें 5 व्यक्ति इस रूप से रहेंगे और वो घर के अंदर उसको करना होगा, या जो समारोह हम करेंगे शादी समारोह वो घर के अंदर होगा। उत्तराखंड में अफवाह फैलाना लोगों को भारी पड़ सकता है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का कहना है कि अगर कोई भी शख्स सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ NSA के तहत केस दर्ज किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि जमातियों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। बोला है और ये पूरे प्रदेश के लिए मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगा, लोगों से अपील भी करना चाहूंगा कि एक तो आपसी सौहार्द बनाए रखें, कम्युनल हारमोनी बनाए रखें, एक दूसरे के ऊपर लांछन न लगाएं और उसको जो है अफवाहें न फैलाएं, क्योंकि अगर आगे से किसी ने अफवाह फैलाई और उस अफवाह की वजह से कहीं भी शांति व्यवस्था भंग हुई या लोक व्यवस्था भंग हुई तो फिर हम सीधे उस पर NSA की कार्रवाई करेंगे। कि जमातियों का टोटल स्टेटस हमारे यहाँ का ये है कि 513 बाहर के जमाती थे, जो बाहर की जमातें हमारे यहाँ आई, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ऐसे लोग 513 आइडेंटिफाइड हुए जो लॉकडाउन में यहाँ रह गए, जो वापस नहीं जा पाए, सबके सब 513 को आइडेंटिफाई करके सत्यापित करके हमने क्वारंटाइन कर दिया। फिर जो हमारी जमातें जो बाहर के प्रदेशों में गई उनमें से 923 लोग लौट कर आए, 1 जनवरी के बाद का डाटा इकट्ठा किया तो टोटल 1436 हो गए। तो 1436 के 1436 हमने आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटीन किया है और 1 मार्च के बाद वालों को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया। चमोली के जोशी मठ में आयोजित त्रिमुंडिया मेला कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया है। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने से 7 दिन पहले ये मेला जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मेले को देखने के लिए गढ़वाल क्षेत्र के ही नहीं बल्कि कुमाऊं क्षेत्र के हजारों लोग जोशी मठ पहुंचते हैं। 2 विशेष कार्यक्रम जोशी मठ में होते हैं, बड़े उत्साही कार्यक्रम होते हैं। गरुड़ छाड़ यानी गरुड़ जी का बद्रिकाश्रम की ओर भगवान को लेके जाने का एक प्रतीकात्मक मेला आयोजित किया जाता है। और हरिद्वार के सिडकुल थाना इलाके में संदिग्ध कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध मरीज पुलिस चेक पोस्ट पर पहुंचा और खुद को कोरोना मरीज बताने लगा, जिससे पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाया गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। संदिग्ध कोरोना मरीज सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करता है जो रावली के महदूद गाँव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस पूरे इलाके को सैनिटाइज करा रही है। वहीं देहरादून को रेड जोन में रखा गया है क्योंकि यहां अब तक कोरोना के 18 मामले सामने आ चुके हैं। हालात को देखते हुए कोरोना से जारी जंग में ITBP को भी तैनात किया गया है। राजधानी देहरादून में शहर के मुख्य मार्गों और सील किए इलाकों में ITBP के जवान तैनात हैं। ITBP के जवान सड़कों पर निकलने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और उन्हें बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रहे हैं। वाहन लेकर सड़क पर निकले लोगों से उनके बाहर निकलने की वजह जानने के साथ साथ उनकी परमिशन
निरीक्षण और कागजातों की जांच पड़ताल भी की जा रही है। न्यूज स्टेट संवाददाता सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट देखिए। आमतौर में देश में आप आईटीबीपी को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तैनात देखते हैं, खासतौर पर जो चीन के बॉर्डर हैं वहां आप तैनात देखते हैं। उत्तराखंड में आईटीबीपी चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के बॉर्डर्स को कवर करती है, लेकिन इन दिनों जब एपिडेमिक सिचुएशन है, जब हालात महामारी के हैं, तो आईटीबीपी इस तरीके से आपको लोगों को गाइड करते हुए नजर आ रही है। आईटीबीपी की टीमें उन क्षेत्रों में तैनात की गई हैं जो हॉटस्पॉट हैं, ताकि लोग गंभीरता को समझें, लोग ये समझ पाएं कि कोविड-19 कितनी खतरनाक बीमारी है और इससे कैसे बचना है। यहाँ पर आप देखिए आईटीबीपी के जो जवान हैं वो लोगों को रोक भी रहे हैं, उनके निकलने का कारण पूछ रहे हैं, उनसे कागजात भी मांग रहे हैं, उन्हें ये समझा भी रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि लोग घरों से बाहर निकलें, क्योंकि देहरादून हॉटस्पॉट है, देहरादून रेड जोन में आता है और देहरादून को जिस कैटेगरी में शामिल किया गया है वो रेड है और इसीलिए देहरादून में किसी भी तरीके से लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में देहरादून एक ऐसा जनपद होगा जहां 3 मई तक पूरे प्रतिबंध लागू रहेंगे। देहरादून में 3 मई तक लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और किसी भी तरीके की जो छूट है वो फिलहाल नहीं दी जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो प्रशासन जो नियम है उनको और ज़्यादा सख्त कर सकता है। इस तरीके से आप देखिए आईटीबीपी की टीमें लगातार लोगों से पूछ रही हैं, फ्लैग मार्च में भी उनको रखा गया है, जो एरिया हॉटस्पॉट है वहाँ उनकी तैनाती की गई है। उत्तराखंड में नैनीताल जनपद के बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया, वहाँ आईटीबीपी और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। यानी हर वो कदम प्रशासन उठा रहा है जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को ये समझाया जा सके कि आखिरकार वो घर से बाहर निकले तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। उत्तराखंड के 7 पहाड़ी जिले जहां कोविड का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, उन सभी जिलों में 20 तारीख के बाद, 20 अप्रैल के बाद हर छूट मिल सकती है, लेकिन 5 ऐसे जिले हैं जिनमें कोविड के 1 से लेकर 17 तक के मामले हैं तो उन्हें ऑरेंज कैटेगरी में लिया गया है, उनमें थोड़े ज़्यादा सख्ती होगी लेकिन कुछ छूट वहाँ भी मिल पाएंगी, लेकिन देहरादून एक ऐसा जनपद है जिसमें छूट नहीं मिलेगी। 3 मई तक जो प्रशासन के नियम हैं वो बरकरार रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। लॉकडाउन में लोग नियमों का पालन करें, किसी भी तरह अनावश्यक कारण के चलते घरों से बाहर ना निकलें, इसके लिए देहरादून समेत प्रदेश के सभी जिलों में एनसीसी की टीमें भी तैनात की गई हैं। पीएम ने भी लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 से लड़ने के लिए एनसीसी कैडेट्स का सहयोग लेने की बात कही थी। जायजा लिया संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ाया और उसके बाद पूरे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति मजबूत हो रही है, लॉकडाउन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस वक्त मैं देहरादून में धर्मपुर मंडी में हूं और यहां पर आप देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश की सेनाओं के साथ, देश की फौज के साथ, देश की पुलिस के साथ जो एनसीसी के कैडेट्स हैं उनको भी आगे आना होगा, उनकी भी हम जरूरत, उनकी भी मदद लेंगे। और ये देखिए आप एनसीसी के जो कैडेट्स हैं ये सब्जी मंडी में आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, अलग अलग जगह पर इन्हें डिप्लॉय किया गया है। दिन में मार्केट जब तक 1 बजे तक खुलता है, इनकी ये ड्यूटी होती है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझाना, अनावश्यक लोग प्रवेश ना करें मंडी की ओर, और दिन के बाद फूड सप्लाई हो या और काम हो ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। मेरे साथ अंडर ऑफिसर एनसीसी विजय भट्ट हैं, इनसे मैं बात करूँगा। विजय, ये बताइए कि आप लोगों की ड्यूटी किस तरीके से लगाई गई, कितनी बटालियन आपकी यहाँ पर तैनात की गई? सर अभी वर्तमान में हमारी 2 एनसीसी की बटालियन है जो देहरादून में है, 11 और 29 UK। तो हमारी वॉलंटियर की टीम्स आई हैं, लगभग 50 से 60 कैडेट्स हर बटालियन से आए हैं और हमें छोटी छोटी टीम्स में बांटा गया है। जैसे जो क्राउडेड प्लेसेस हैं देहरादून में, हम लोग वहाँ 10-10 की टीम में ऑपरेट कर रहे हैं और साथ में हम ध्यान रख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह हम मेंटेन करवाएं, लोगों के बीच थोड़ा अवेयरनेस कर रखें और साथ में हमारे कुछ बचे हुए कैडेट्स जो हैं पुलिस की राशन वितरण में भी सहायता कर रहे हैं। सर एनसीसी की जो टीम है, एनसीसी के जो कैडेट्स हैं, वो लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि लॉकडाउन उनके हित में है, उन्हें घर में रहना है और किस तरीके से कोविड-19 से ये लड़ाई हमने जीतनी है। इसी उद्देश्य से एनसीसी की जो अलग अलग बटालियंस हैं उनको जगह जगह पर तैनात भी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून।
लॉकडाउन के चलते इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी गांव सुनसान नजर आ रहे हैं। आमतौर पर जिन गांवों में बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ नजर आती थी, वहां इन दिनों सीमित समय में कुछ ही लोग नजर आ रहे हैं। उधर खेतों में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। टिहरी जिले के देहरादून से जुड़े गाँव में इन दिनों फर्स्ट ले काटने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ भी महिलाएं सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही फसल कटाई का काम कर रही हैं। न्यूज स्टेट संवाददाता सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त टिहरी के क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में मौजूद हूं और आप देखिए किस तरीके से गांव में भी फसलें तैयार हो चुकी हैं। उत्तराखंड में पर्वतीय और तराई दोनों क्षेत्रों में फसलें होती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरीके के सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, छोटे छोटे खेत देखिए आप, और इनमें जो पारंपरिक फसलें हैं वो भी लगाई जाती हैं। यहाँ पर जो फसल है वो जौ की फसल है और उसको कटाई उसकी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मौसम अगर ख़राब हुआ, बारिश हुई तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन इन दिनों लॉकडाउन के चलते गाँव भी सुनसान हैं। गाँव में जो चहल पहल नज़र आती थी वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि लोग जानते हैं घरों में रहना है और किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकलना है। खास तौर पर सरकार ने जो खेती किसान हैं उनके लिए ज़रूर कहा है कि वो अपनी फसलों को काट सकते हैं, अपने खेतों में आ सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर भी आप देखिए, दो महिलाएं जो खेत में कटाई कर रही हैं वो भी एक डिस्टेंस बनाकर ही काम कर रही हैं। गांव की ओर अगर आप देखेंगे तो सुनसान नज़र आता है आपको गाँव। आमतौर पर गाँव की तस्वीर चाहे मैदान की हो चाहे पहाड़ की हो, गाँव में लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जो सोशल कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। पूरे गांव में देखिए आप, फसलें पूरी तरह से तैयार हैं, अब लोगों को इंतज़ार है इस फसलों को काटने का। लेकिन दिक्कत यही है कि इन दिनों जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते लोगों के जो रोज़मर्रा के काम थे वो बहुत पेंडिंग हो गए हैं और लोगों का इंतज़ार भी है कि आखिरकार अब ये लॉकडाउन की समय सीमा कब ख़त्म होगी। लेकिन धीरे धीरे करके पहाड़ों पर जो किसान हैं वो अपनी फसलों को काट रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं उगाते हैं, ये सिर्फ इतना उगाया जाता है जो परिवार के लिए हो जाए और थोड़ा बहुत अगर बचता है तो उसे फिर बाजार में भेजा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए पूरा देश इस वक्त लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान लोग खुद को एंटरटेन करने के लिए कुछ न कुछ करते दिख रहे हैं। वहीं बॉलीवुड की मशहूर फिल्म तनु वेड्स मनु के पप्पी भैया उर्फ दीपक डोबरियाल इन दिनों देहरादून की वादियों के बीच अपने लॉकडाउन का वक्त बिता रहे हैं। पप्पी भैया लॉकडाउन के दौरान क्या कर रहे हैं आप खुद ही देखिए। कई बार लगता है कि जो मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं यार ये तो तू स्वर्ग में लॉकडाउन हुआ है, तो मैंने कहा यार इतना बनता है यार, मेरी दो दो तीन तीन फिल्में अभी रिलीज थी यार, रिलीज पे थी उतर गई, अंग्रेजी मीडियम काम है अब, और एक और फिल्म थी खैर, और शूट करने आया था वो भी रुक गई। अब सोचिए स्वर्ग की जो अहमियत है वो लॉकडाउन के टाइम पर याद आ रही है ना, लेकिन जब लॉकडाउन नहीं होता तो सब लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं, उनमें मैं भी हूँ, मैं मानता हूँ। तबलीगी जमात के मौलाना साद पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने मौलाना साद के खिलाफ पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। ईडी को मौलाना साद के खातों से विदेशों से आई रकम का सुराग मिला है। साथ ही न्यूज स्टेट के हाथ वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगी हैं जो बताती हैं कि मौलाना साद अय्याशी भरी जिंदगी जीता था। फरार मौलाना पर कसता जा रहा है कानूनी शिकंजा। साथ के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मौलाना साद यही वो चेहरा है जो मास्टरमाइंड है, जिसने मरकज में जमात के लोगों को जमा किया और मानो कोरोना का बम फोड़ दिया। 28 मार्च से दिल्ली पुलिस अंडरग्राउंड मौलाना साद की तलाश में जुटी हुई है और अब आई है एक बड़ी खबर कि पुलिस के साथ ही साथ मौलाना साद पर ईडी का शिकंजा भी कसता जा रहा है। ईडी ने मौलाना साद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ये केस मौलाना साद के खातों में विदेश से आई बड़ी रकम को लेकर दर्ज किया गया है। इससे पहले मौलाना साद पर पुलिस गैर इरादतन हत्या का केस भी लगा चुकी है।
तबलीगी जमात के अमीर यानी कि प्रमुख मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसता जा रहा है। जब से मौलाना साद पर गैर इरादतन हत्या के मामले की धारा भी जोड़ दी गई है तो उम्मीद की जा रही है कि अब दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। एक अहम जानकारी यह भी सामने आई है कि तबलीगी जमात के अकाउंट में विदेशों से मोटा पैसा आया था उस समय तक जब तक तबलीगी जमात का कार्यक्रम आयोजित होना था। क्राइम ब्रांच को आशंका है कि जमात के साथ हवाला ट्रेडिंग का मामला भी जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले में छानबीन की जा रही है। पुलिस और एजेंसियों के एक्शन के बीच ही न्यूज नेशन को कुछ ऐसी तस्वीरें हासिल हुई हैं जो बताती हैं कि मौलाना साद कितने ऐशो आराम से भरी जिंदगी जीता था। तस्वीरें मौलाना साद के शामली वाले फार्म हाउस की बताई जा रही है। तस्वीरों में आप मौलाना साद के आलिशान फार्म हाउस को देख सकते हैं। यहाँ मोर जैसे पक्षी भी रखे गए थे, साथ ही मौलाना साद की महंगी गाड़ियां भी इन तस्वीरों के जरिए एक्सपोज होती हैं। क्वारंटीन का बहाना बनाकर मौलाना साद काफी वक्त से पुलिस के शिकंजे से बच रहा है, लेकिन अब क्वारंटीन का वक्त भी खत्म हो चुका है और मौलाना साद के पास बचने का शायद ही कोई चारा बचा है। दिल्ली से अवनीश चौधरी के साथ रुमानुल्ला खान,